वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ फोटोशॉप में। माय नेम इज रोहन राणा, ग्राफिक डिजाइनर एंड मोशन ग्राफिक डिजाइनर। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि पेन टूल का यूज करके कैसे हम सिलेक्शन करें। इस बार हम लास्ट टूल देखने वाले हैं जिसको बोलते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। तो ज्यादा देर करते ना हुए, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हमारे फोटोशॉप में। तो यहाँ हमारे पास एक बढ़िया सी इमेज है। अब हम इस इमेज को कटिंग करने वाले हैं हमारे कौन से टूल से, तो मैजिक वैन टूल से। ओके, अब ये लास्ट कटिंग वाला टूल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद जो भी कटिंग वाला टूल्स आएंगे वो मैं आपको प्रोजेक्ट्स में दिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते। तो यहाँ हमारे पास आप क्लिक करके रखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्विक सिलेक्शन टूल। सॉरी, हमने मैजिक वैन टूल देख लिया था, क्विक सिलेक्शन टूल। तो क्विक सिलेक्शन टूल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको मिल जाएगा अपना क्विक सिलेक्शन टूल। ये थोड़ा छोटा है, हमको पता है। अगर आपको पता नहीं है कि इसको बड़ा कैसे करना है तो उसकी शॉर्टकट की है एंगल ब्रैकेट, उसको आपको प्रेस करके रखने का। और ये आपको जितना बड़ा और छोटा करना है वो आप ये दो एंगल ब्रैकेट से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब आपको करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल वर्क है, सिर्फ आपको उसके ऊपर ऐसे ड्रॉ करना है। तो ये ऑटोमेटिक जितने अपने हिसाब से वो एरिया सिलेक्ट कर देगा। ये छोटे एरिया का आपको सिलेक्ट करना है तो उसको थोड़ा छोटा करके कर देगा। ये बहुत ही ईजी टूल्स हैं, पेन टूल से तो बहुत इजी और लासो टूल से भी। आपको सिर्फ ऐसे सिलेक्शन पे, जहाँ सिलेक्शन चाहिए वहाँ आपको सिर्फ इसको ऐसे ड्रॉ करना है और ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि थोड़ा जूम करके सिलेक्शन को देखना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन अच्छी तरह से हुआ है या नहीं। जैसे कि ये वाला भाग, ये वाले भाग में हमको क्या, ये वाला भाग नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये टूल को थोड़ा छोटा करके आपको प्रेस करनी है अल्टर की। प्रेस मतलब कि आपको दबा के रखनी है अल्टर की। तो आप देख सकते हैं कि जो प्लस वाला चिन्ह है वो अब माइनस में आ जाएगा। और आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सा उस पर हल्के से ड्रॉ करना है। अब ये जो भाग रह गया है उसको अल्टर की आप छोड़ देंगे तो ये प्लस वाला चिन्ह आ जाएगा और आप ऐसे ले सकते हैं। और छोटा करके थोड़ी अल्टर की, और ये हो गया थोड़ा सिलेक्शन। ओके, अब थोड़ा माइनस, कंट्रोल माइनस, और देख लेते हैं कि सिलेक्शन अच्छी तरह से हुआ। ओ तो ये रह गए हैं मजाक कर रहा हूँ। तो ये हो गया सिलेक्शन। अब आपको क्या करना है कि कोई भी सिलेक्शन हम करें उसके बाद थोड़ी फिनिशिंग टच देनी पड़ती है। तो उसके लिए ओके, ये हो गया कंट्रोल ज़ीरो। हम ऊपर से सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे हमारी ये विंडोज में। अब क्या करना है, ये दूसरा वाला टूल हमको लेना है और पहले उसके थोड़े जो बाल है, हेयर है, उसको एडजस्ट कर लेते हैं। और ये ड्रॉ उस पर थोड़ा। ओके, और ये हो गया। अब करना कुछ नहीं, यहाँ आना है। आपको मालूम है कि आप कोई भी कलर में आप बैकग्राउंड आपको ले सकते हैं अभी चेक करने, जैसे कि वाइट मास्क में भी ले सकते हैं, जिससे आपको जितना वाइट भाग है वो मालूम पड़ जाएगा। फिर ऑन लेयर, जिससे आपको कटिंग कैसा दिखेगा वो भी आप देख सकते हैं। तो मैं अभी ले लेता हूँ ब्लैक में,
अब यहाँ से ये जो एजेस आपको दिख रहे हैं वो थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे हैं, बहुत कटिंग कटिंग जैसा लग रहा है, तो हम इस यहाँ से इसको थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। ओके, अब जो एरिया आपको दिख रहा है जैसे कि ये फेडर ये दिख रहा है वाइट वाइट वाइट, तो उसके ऊपर हम ये टूल प्रेस करेंगे। या फिर हम यहाँ से जो सिर्फ एज आपको दिख रहा है उसको थोड़ा कम कर देंगे। ओके, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया और इजी तरीके से कटिंग हो गया है। अब करना क्या है तो सिंपल, आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको आउटपुट टूल दिखेगा, मतलब कि इसको ओके करने के बाद क्या आउटपुट आएगा वो। तो आप इसमें से लेयर मास्क ले सकते हैं, न्यू लेयर ले सकते हैं। लेयर मास्क मतलब कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओके किया और यहाँ ऑटोमेटिक लेयर मास्क आ गया। अब कंट्रोल सेट किधर टीजिएगा सिलेक्ट मास्क, अब उसके बाद है न्यू लेयर। न्यू लेयर से क्या होगा, ओके करेंगे तो वो इमेज तो ऐसे की ऐसे ही रहेगी और हमें यहाँ मिल जाएगी दूसरी न्यू लेयर में कटिंग इमेज। उसके बाद है न्यू लेयर विथ लेयर मास्क, मतलब कि ओके करेंगे तो उसके साथ वो कटिंग इमेज तो आ जाएगी लेकिन उसके साथ मास्क भी आ जाएगा। और उसके बाद ऑप्शन है न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट मतलब कि ओके पर मैंने क्लिक किया और ये देखिए आप यहाँ से ऊपर से आ गए न्यू डॉक्यूमेंट में, वो इमेज तो सिलेक्शन में है और न्यू डॉक्यूमेंट में भी हम आ गए। तो डिलीट नो सिलेक्ट एंड मास्क, ओके वो थोड़ा रह गया। ओके, और लास्ट वाला ऑप्शन है न्यू डॉक्यूमेंट विथ लेयर मास्क, मतलब कि न्यू डॉक्यूमेंट में तो हम आ ही जाएंगे साथ में लेयर मास्क भी आ जाएगा। आप सबको मालूम ही है, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में ही बताया था कि लेयर मास्क किसके लिए है, तो बहुत इजी है। एक अगर नहीं पता तो एक बार वापस देख लीजिए। इस लेयर मास्क पे क्लिक करना है, यहाँ से ब्रश टूल लेना है। ध्यान रखिएगा ये ब्लैक और वाइट होना चाहिए, अगर नहीं हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते। अब करना क्या है तो आपको जो ये ब्रश दिख रहा है, हम जहाँ भी ये ब्रश ये ले, ध्यान रखिएगा ये लेयर मास्क पे क्लिक होना चाहिए। अब ब्रश को प्रेस करेंगे तो ये कटिंग हो जाएगा, मतलब कि डिलीट हो जाएगा। अब क्या करना है कि ये एरिया वापस लाना है, तो आपको क्या करना है इधर से इसको उसके घुमा देने का और हल्के से ऐसे प्रेस कर देने का। ओ ओ पी सी की हम 100 कर देते हैं और ये देखिए ये आ गया। इससे क्या होता है कि हमको जो कटिंग वापस चाहिए थोड़ा सा वो आप वापस भी ले सकते हैं ऐसे देखिए। अगर नहीं चाहिए तो करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल, सिर्फ आपको एक्स प्रेस करने का शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की एक्स प्रेस करने का, जिससे ये पैलेट उल्टी हो जाएगी। देखो और ड्रॉ। ओके, तो ये सिंपल लेयर मास्क का यूज था इसलिए। तो ये हमारी इमेज हो गई है सिंपल से कटिंग। तो ये हमारा सबसे आसान टूल था क्विक सिलेक्शन टूल। अब आप सोच रहे होंगे कि क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ मैंने आपको क्यों दिखाया लास्ट में, तो पेन टूल का और लासो टूल का कोई यूज़ नहीं है यूज़, क्योंकि ये क्विक सिलेक्शन टूल है ना, जब हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज होती है ना, हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज में आपको फिर से समझा देता हूँ कि जिसके पिक्सल जिसके पिक्सल आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उसको हाई रेजोल्यूशन या फिर थोड़ी बड़ी इमेज बोलते हैं। अब समझ लो कि हमारे पास ये दूसरी इमेज है जिसमें है रेजोल्यूशन कम है, आप देख सकते हैं इसके पिक्सल बहुत बड़े बड़े, पिक्सल मतलब कि ये जो आपको चौरस चौरस दिख रहे हैं ना वो पिक्सल है, और इसके पिक्सल देखेंगे आप फिर से, धन्यवाद
फिक्स तो आप ये देख सकते हैं, इसके पिक्सल और इसके पिक्सल, इसके बहुत बड़े हैं और इसके पिक्सल थोड़े छोटे हैं। अब आपको मैं एक और रुकिए, मैं आपके पहले, उससे पहले मैं आपको इस टूल से इसका सिलेक्शन करके दिखाऊंगा। तो इसका सिलेक्शन में ना कुछ लो चाहता है, क्योंकि इसका लो रेजोल्यूशन है, मतलब कि पिक्सल बहुत बड़े बड़े, तो ये टूल एडजस्ट नहीं कर पाता, मतलब कि उसको पता नहीं चलता एग्जैक्टली कि कौन सा शेप सिलेक्ट करना है, तो इसलिए वो इसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है। और ऐसी सिलेक्शन के लिए हमारे पास लासो टूल्स है और पेन टूल्स है। ओके, तो कंट्रोल ज़ीरो। अब दूसरी एक चीज़ कि ये वाला लेयर है, उसको हम पहले यहाँ से डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक और डिलीट लेयर मास्क। अब हमारे पास जब क्विक सिलेक्शन टूल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा सिलेक्ट एंड मास्क के बाजू में सिलेक्ट सब्जेक्ट। अब ये वाला ऑप्शन किसके लिए, तो ये वाला ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे ना तो आप देखेंगे कि थोड़ा प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद फोटोशॉप अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर शेप को सिलेक्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं इसमें भी जो सिलेक्शन हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है, ये देख ली, ये थोड़ी इजी रिट है। अब हाँ, थोड़ा आपको इसमें कुछ करना तो पड़ेगा ही, जैसे कि कुछ सिलेक्शन में थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला थोड़ा बाकी रह गया था, अब ये एक्स्ट्रा आ गया है, तो अल्टर की प्रेस करके, या फिर आपको ऊपर तीन ऑप्शन मिलेंगे उसमें से तीसरा वाला ऑप्शन लेके भी आप इसको हटा सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की इज अ बेटर। ओके, तो देख लीजिए ये सिलेक्शन, इसका भी बहुत परफेक्ट सिलेक्शन होता है। तो ये देखिए हो गया हमारा सिलेक्शन, अब करना कुछ नहीं है, सिलेक्ट मास्क में जाने का और थोड़ी सी सेटिंग्स की एडजस्टमेंट करने की, जैसे कि थोड़ा स्मूथनेस और ये बालों को थोड़ा एडजस्ट कर देने का, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट करके लास्ट में यहाँ से कौन सा ऑप्शन लेना है, जैसे कि मेरे को न्यू डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ लेयर मास्क में ही लेना है, तो ओके, और ये कटिंग तड़ा। तो ये हो गया हमारा सिंपल कटिंग, लेकिन ये सिलेक्ट सब्जेक्ट का भी एक माइनस पॉइंट है। वो माइनस पॉइंट क्या है कि आपकी कंप्यूटर की रैम थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए तभी ये टूल वर्क करेगा, अगर नहीं होगी तो आपको एरर आ जाएगी कि आपके कंप्यूटर की रैम इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको कंप्यूटर की रैम मिनिमम 8 GB हो तो अच्छा है ये टूल के लिए, जिससे आपको जल्दी कटिंग हो जाएगी। तो दैट इज फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस, यू लाइक दिस टूल। आई नो मैं भी ये टूल का ही यूज़ करता हूँ अभी, तो पेन टूल का भी यूज़ करता हूँ, लेकिन लो रेजोल्यूशन ऐसी इमेजों के लिए रोज़ मैं पेन टूल का यूज़ करता हूँ। ओके गाइस, तो नाउ इट्स टाइम फॉर द टुडे इज फन फैक्ट टाइम। तो क्या आपको मालूम है कि किसी का सर काट दिया जाए तो वो मर जाता है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जीव है जिसका सर काट दे तो भी बच जाता है। उसमें से पहली चीज है, उसे बोलते हैं मक्खी, जो आपके घर के आजू बाजू होती है। आप अगर उसका सिर काट भी दो तो वो मिनिमम 3 या 4 दिन तक जिंदा रहते हैं। उसका रीजन है कि उसकी पूंछ में आने वाला वो लिक्विड की वजह से वो 3 या 4 दिन तक जिंदा रह सकता है। और दूसरी चीज है कॉकरोच, जिससे लड़कियां डरती है। तो ऐसे ही बहुत सारे जीव हैं जिसका हम सर अलग कर देते हैं
तो भी वो कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक ठीक हो सकते हैं या फिर चल सकते हैं, जैसे कि ज़ॉम्बीज। तो गाइस, कभी भी आप ऐसे सर करते हुए छोटे छोटे कीड़ों से मिले तो डरना मत, ओके? और दैट इज फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके? इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड विद अस, विद रोहन राणा।